आई वुड बी टेलिंग यू हाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अवेलेबिलिटी इटसेल्फ दैट फेयर्स हमें सस्ता मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, राइट? एक्चुअली में तो जब हम अवेलेबिलिटी से काम करते हैं, वी आर नॉट अनेबल, वी आर नॉट एबल टू सी दी फेयर्स, राइट? बट यस, अवेलेबिलिटी में ही फेयर्स छुपे होते हैं हमारे सारे. हमें अवेलेबिलिटी देखकर ही पता चल जाता है कि हमें क्या सस्ता फेयर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, राइट? सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कि क्लासेस कैसे ओपन करते हैं, राइट? एंड देन हाउ टू फाइल दी फेयर्स, फेयर्स की और भी कमांड्स के थ्रू हाउ कैन वी नो कि फेयर हमें कैसे कम मिल सकता है, ओके? एंड देन हाउ टू इशू ओके टिकट ऑल्सो, ओके? ओके, आई शेल शेयर लेटर ऑन रमीज. या सो देखो, अवेलेबिलिटी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है किसी भी जीडीएस सिस्टम में. अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन कौन सी क्लासेस ओपन है और आप उन्हें ले सकते हो, राइट? सपोज आपको 20 नवंबर की बुकिंग करनी है, राइट? और 20 नवंबर को आपको लास्ट की 3 क्लासेस ओपन नहीं नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? बाकी नजर आ रही है ओपन, इसका मतलब आपको लोएस्ट फेयर नहीं मिलने वाला है, सिंपल, राइट? जो लोग जीडीएस यूज करते हैं उनको ये चीज समझ में आई होगी कि मैं लास्ट की क्लासेस से क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट? जो अवेलेबिलिटी में सबसे लास्ट में क्लासेस मेंशन होती हैं वो हमेशा सबसे चीपेस्ट क्लास होती है. हाँ, एक्सेप्शन आ सकती है, एयर इंडिया कई बार आपको फर्स्ट क्लास जो है वो लास्ट में दिखा देता है, वो एक्सेप्शन है, बट 99% टाइम सबसे लास्ट की क्लास सस्ती होगी, राइट? सो अगर एक ट्रैवल एजेंट अवेलेबिलिटी को सही से समझ ले, उसको बहुत ज्यादा एडवांस में जाना ही नहीं पड़ता है टू अंडरस्टैंड दी फेयर्स. गेटिंग माई पॉइंट? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दी एथिकल वेज हाउ वी कैन गेट दी चीपेस्ट फेयर, ओके? सो आई एम गोइंग टू शेयर दी स्क्रीन ऑफ गैलीलियो विद यू, करके देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है सिस्टम में, हम देख के समझते हैं उस चीज, ओके? सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, ओके? सो आई एम गोइंग टू थ्रो अवेलेबिलिटी फॉर फ्यू एयरलाइंस. मैं पहले आपको अवेलेबिलिटी समझाऊंगी, देन वील मेक अ पीएनआर आल्सो एंड फेयर्स एज वेल, ओके? सो लेट मी जस्ट थ्रो अवेलेबिलिटी फॉर, लेट्स टेक 15 नवंबर, दिल्ली टू, आई एम टेकिंग अ यूरोपियन सेक्टर, नॉन स्टॉप एयरलाइन की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं. सो आई हैव रिटन हियर दिल्ली टू हेलसिंकी, राइट? हेलसिंकी इज इन फिनलैंड एंड वी हैव फिन एयर एंड एयर इंडिया विच गोज नॉन स्टॉप फ्रॉम हेयर. सो जस्ट सी आर द फर्स्ट एयरलाइन विच इज फिन एयर. आप यहाँ पर देखो क्यू क्लास हमें ओपन दिख रही है, राइट? एंड जी और एक्स भी ओपन दिख रही है, बट बाकी बीच की दो क्लासेस हमें क्लोज दिख रही हैं, am I right? अवेलेबिलिटी देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि सबसे चीपेस्ट जो है वो है एक्स क्लास, राइट? एंड देन उससे एक्सपेंसिव है जी क्लास. दिस इज द रूल दी एनी ऑफ द जीडीएस वुड वर्क ऑन, कि सबसे लास्ट की जो क्लास है दैट इज द चीपेस्ट क्लास. जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे आप, क्लासेस एक्सपेंसिव होती जाएंगी, बट बीच की दो क्लासेस क्लोज है, राइट? इफ आई पिकअप एक्स क्लास एंड आई सी दी फेयर, और मुझे एक्स क्लास का फेयर अगर नहीं मिलता है, सिस्टम मुझे सपोज बोलता है कि सबसे सस्ता जो है वो जी क्लास का फेयर है, राइट? या जेड का है, इसका मतलब है कि एक्स क्लास का फेयर इस राउटिंग के लिए बना ही नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? वेन आई पिकअप दिस आइटिनरी, वेन आई सेल दिस आइटिनरी एंड आई ट्राई टू सी दी फेयर्स, सिस्टम मुझे सपोज बोलता है कि जेड है जो वो सबसे सस्ता फेयर है. वो समझना कैसे है वो बताती हूँ अभी. तो वाई इज सिस्टम शोइंग अस जी एंड एक्स क्लास, जब जेड ही सबसे सस्ती क्लास है इस राउटिंग की, मुझे फिर जी और एक्स दिख ही क्यों रहा है? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ जी एंड एक्स क्लास बीइंग शोन हियर विद द ओपन सीट्स? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस? ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लियर बाय पिकिंग अप अ आइटिनरी, बाय सेलिंग अ आइटिनरी. मैंने एन क्लास सेल की है, लेफ्ट साइड पे एन क्लास सेल हुई है, ओके? ये एन क्लास सेल हुई मेरी, मैंने एन पे ही क्लिक किया था और एक ही सीट सेल हुई क्योंकि मैंने सिंपल क्लिक किया, मैंने सिस्टम को कुछ चूज नहीं करने दिया. सो वन सीट बाय डिफॉल्ट सेल हो जाती है अगर हम बाय डिफॉल्ट एन को क्लिक कर दें तो. अगर मुझे इस पीएनआर को आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ फेयर ही देखना है फॉर एग्जाम्पल, सो आई एम गोइंग टू डू एफ क्यू. एफ क्यू करने पर सिस्टम मुझे इस क्लास का फेयर दिखा देगा जो मैंने होल्ड कर रखी है, विच इज माई एन क्लास. एंड सिस्टम इज टेलिंग मी जो सबसे सस्ता जो इस क्लास का फेयर है, फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस राउटिंग फॉर एन क्लास इज 51676, राइट?
ये मुझे फेयर है जो मुझे मिल सकता है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है, 51676 दिस इज इंडियन रुपीज, 4650530 इज द बेस फेयर, 5146 आर द टैक्सेस एंड द फाइनल फेयर इज 51676 एंड इट इंक्लूड्स वन बैग, एक बैग इसमें इंक्लूडेड है, एक बैग का मतलब है 23 kg। दूसरा बैग अगर आप लेना चाहते हो तो उसका प्राइस है 13,000 रुपये, 13,140 इंडियन रुपीज। क्लियर? इफ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या इससे सस्ता फेयर भी सिस्टम मुझे दे सकता है या नहीं, सो आई डू एफ क्यू बी बी विच इज द कमांड टू चेक द लोएस्ट फेयर। सिस्टम मुझे बोल रहा है कि सबसे लोएस्ट फेयर ऑलरेडी मुझे मिल रहा है विच इज 51676, राइट? मतलब मैं ऑलरेडी वो क्लास होल्ड कर रही हूँ जिसका चीपेस्ट फेयर है। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि सिस्टम ने, जब मैंने एफ क्यू रन किया तो सिस्टम ने मुझे एन क्लास का फेयर दिया, क्योंकि एफ क्यू कमांड हमें वही क्लास का फेयर देती है जो क्लास मैं होल्ड कर रही हूँ। और एफ क्यू बी बी कमांड का मतलब होता है कि मुझे सिस्टम ये बता दे कि इससे सस्ता कौन सा फेयर मुझे मिल सकता है। सो सिस्टम इज सेइंग दैट यू आर ऑलरेडी होल्डिंग, नो रीबुकिंग रिक्वायर्ड, लोएस्ट फेयर अवेलेबल फॉर द आइटनरी इज 51676। क्लियर? आप ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हो। एंड इफ आई डू एफ क्यू बी ए, देन सिस्टम इज टेलिंग मी ऑलरेडी लोएस्ट फेयर फॉर दिस आइटनरी है मेरे पास, नो रीबुकिंग रिक्वायर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑलरेडी है मेरे पास ये सब एन क्लास में, परफेक्टली फाइन। सो हम ऑलरेडी लोएस्ट क्लास को होल्ड कर रहे हैं, बट देन वाई इन दी अवेलेबिलिटी वॉज सिस्टम शोइंग मी क्लासेस बियॉन्ड एन क्लास? जब एन ही सबसे सस्ती है, क्यों मुझे क्यू ओपन दिख रही है, क्यों मुझे ओ और जेड क्लास दिख रही है, एंड वाई जी एंड एक्स आर ओपन क्लासेस फॉर मी? वाई सिस्टम इज शोइंग मी दिस? ओके, समवन हियर सेड के रिटर्न जर्नी के लिए ओपन है, कि जब रिटर्न लोगे तो ये क्लास मिल जाएगी, लॉन्ग जर्नी के लिए है, राइट? ओके, एनीवन हैज एनी अदर आंसर? नो, मैम किसी ने होल्ड करी होगी, प्रॉपर पीएनआर नहीं जनरेट हुआ होगा। नहीं, जी तो है ना मेरे पास, लेट मी टेक जी क्लास, मैं जी क्लास में बुकिंग बना लेती हूँ। सेल रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है मुझे, एनएन हो गया, मेरा सेल ही रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है, राइट? एनएन मींस नीड बेसिस में है अभी, और जी क्लास में सीट सेल ही नहीं हो रही है, आई एम अनेबल टू सेल, देन व्हाई वाज द सिस्टम शोइंग मी? बिकॉज दोज क्लासेस आई कैन नॉट सेल फॉर दिस राउटिंग। सिस्टम इसलिए दिखाता है क्योंकि वो जो क्लासेस हैं, जब आप रिटर्न आइटिनरी उठाओगे, जब रिटर्न लोगे हेलसिंकी टू दिल्ली लोगे फॉर एग्जाम्पल, तब सिस्टम आपको दिखा सकता है वन रीजन फॉर क्लासेस बीइंग ओपन्ड, सेकेंड रीजन है कि वो लॉन्ग जर्नीज के लिए, जब हेलसिंकी के आगे जाओगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप आयरलैंड जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए जाते हो, कनाडा जाते हो बाय दिस एयरलाइन, तो आपके ये क्लासेस ओपन हो जाएंगे, राइट? यू विल बी एबल टू सेल दीज क्लासेस। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये इसीलिए होती है क्योंकि वो क्लासेस बनी तो हुई है एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरलाइन ऐसा नहीं हो सकता कि क्लासेस ना दिखाए आपको उस राउटिंग पर, बिकॉज एयरलाइन की सारी क्लासेस दिखती हैं हमें। आप चाहो तो फ्लाइट इन्फो से वैसे भी निकाल सकते हो, ओके? बट ये इसलिए बनी होती है क्योंकि आगे जो राउटिंग्स है, अगर किसी को दिल्ली से हेलसिंकी से आगे जाना है, राइट, और आगे ट्रैवल करना है, ज्यादा माइल्स क्रॉस करने हैं, उसके लिए एयरलाइन करती है, क्योंकि आप ज्यादा दूर जाते हो किसी एयरलाइन से, दे गिव यू चीपर फेयर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट इज वाई दोज क्लासेस आर देयर। ओके, लेट मी टेक रिटर्न आइटिनरी ऑल्सो, हमें और क्लियर मिल जाए, और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब जैसे एन क्लास मैं ऑलरेडी होल्ड कर रही हूँ और सिस्टम मुझे बोल रहा है एन क्लास से सस्ता फेयर ही नहीं है, राइट? जो 51676 का फेयर है, मैं ऑलरेडी चीपेस्ट होल्ड कर रही हूँ, सो मैं रिटर्न के लिए भी, लेट्स टेक क्लास फॉर रिटर्न आइटिनरी ऑल्सो, आई एम एज्यूमिंग रिटर्न टू बी ऑन 25th of November। आई एम होल्डिंग एन क्लास हियर, बट सी वन थिंग, जब मैंने रिटर्न करने की कोशिश की तो ओ क्लास भी ओपन हो गई है एक। गेटिंग माई पॉइंट? एक क्लास और ओपन हो गई है। जैसे ही आपने रिटर्न उठाया, पहले क्यू तक अवेलेबल थी क्लासेस, अब ओ भी आ गई क्लास, इसका मतलब एक सस्ती क्लास और ओपन हो गई रिटर्न के लिए। सो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग द क्लासेस। क्लासेस कैसे ओपन करते हो आप?
अगर आप क्लासेस ओपन कर पाओगे आप सस्ता फेयर भी ले पाओगे. आई एम गोइंग टू शो यू द कंपैरिजन. लेट मी जस्ट क्लोज दिस पीएनआर वंस. आई एम क्लोजिंग ऑन माय नेम इटसेल्फ. आई हैव इंसर्टेड द नेम. मैं बेसिक एलिमेंट्स जो है वो डाल के क्लोज कर रही हूँ. सो आई हैव दिस. नाउ इफ आई चेक फेयर बाय डूइंग एफ क्यू, तो जो एन क्लास का फेयर मुझे मिल रहा है वो है 81,000 का फॉर रिटर्न जर्नी. क्लियर? ये रिटर्न का फेयर है दिल्ली टू हेलसिंकी, हेलसिंकी टू दिल्ली. और अगर मेरे को ये चेक करना है कि सबसे सस्ता मिल क्या सकता है, सो आई डू एफ क्यू बी बी. ये तो जो क्लास होल्ड की उसका था 81,000. एंड एफ क्यू बी बी करने पर सिस्टम बोल रहा है मुझे कि मुझे 70,000 का फेयर मिल सकता है. आई कैन टेक 70,000 का फेयर अगर मुझे जाने की क्यू मिल जाए और रिटर्न की जेड क्लास मिल जाए. गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं दिल्ली टू हेलसिंकी की क्यू ले लूं और रिटर्न की जेड क्लास ले लूं तो 70 मिल जाएगा, राइट? ऐसा जब जेड यहां ओपन है तो इस जर्नी में भी तो ओपन होनी चाहिए ना. अगर मैं यहां भी जेड ले लूं, यहां भी जेड ले लूं, डोंट यू थिंक फेयर और कम हो जाएगा? अगर रिटर्न की जेड ओपन है तो जाने की भी ओपन होगी, राइट? मिल सकता है मुझे फेयर बट वो अवेलेबल नहीं है, राइट? आप पता कैसे करें कि वो मिलेगा कि नहीं, या फिर पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है मिलने की? पहले तो पॉसिबिलिटी जानेंगे ना आप लोग. पॉसिबिलिटी होगी तभी तो कोशिश करोगे लेने की, एथिकल और अनएथिकल जो भी तरीका आप चूज करोगे, बट पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए पहले. सो आई एम रनिंग कमांड विच इज एफ क्यू बी ए. एफ क्यू बी ए मुझे वो सबसे सस्ता फेयर बता देगी जो मुझे मेरी आइटिनरी पर मिल सकता है, राइट? किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी है इस फेयर को मिलने की, लेकिन ये अभी मैं नहीं ले सकती हूँ. जो मैंने आइटिनरी बना रखी है 15 नवंबर जाने की, 25 नवंबर आने की, उस पे मुझे नहीं मिल सकता 65,000 का फेयर. उस पे मुझे 81 का मिल सकता है या 70 का भी मैं कोशिश कर सकती हूँ लेने की, इजिली मिल जाएगा, राइट? बट 65 भी आ सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? 81 से 70 के बीच में भी कोई फेयर होगा जो मिल सकता है? 81 के बाद मुझे सिस्टम बोल रहा है 70 का मिल सकता है. सपोज मैं 70 लेने के लिए कोशिश करती हूँ, बट 81 से 70 के बीच में भी तो कोई फेयर बना होगा जो मुझे मिल सकता है, अगर मैं 70 नहीं ले पा रही हूं तो. और 70 और 65 के बीच में भी कोई फेयर बना होगा. सपोज मैं 65 नहीं ले पाती हूँ, बहुत कोशिशें कर ली मैंने, नहीं ले पाती हूँ, बट कोई फेयर होगा ना जो 70 से 65-65 के बीच में भी आता हो, राइट? सो जो हमें दिख ही नहीं रहा कहीं पे, वो दिखेगा भी नहीं आपको. ऐसे जो आपने आइटिनरी उठाई है उसमें दिखने भी नहीं वाला. बट आई हैव अ वाइड रेंज. मैं 81 से 65 तक जा सकती हूँ, 65 से नीचे नहीं आ पाएंगे बिकॉज 65 इज द चीपेस्ट फेयर फॉर द जेड क्लास फॉर गोइंग एंड रिटर्न बोथ. गेटिंग माई पॉइंट? हमें इसके बीच का फेयर लेना है. 70 तो मुझे मिल सकता है, थोड़ा सा आरएनडी करने से मिल जाएगा, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा उससे कम भी आ जाए. ओके? अब एथिकल तरीका, ये अनएथिकल तरीका है, जो मर्जी अपनाओ अभी के अभी मिल जाएगा. ये नहीं ट्रैवल डेट्स के लिए मिल जाएगा अनएथिकल वेज से. अगर हम एथिकल वेज अपनाएं तो थोड़ी सी हम ट्रैवल डेट्स को आगे पीछे करेंगे और फेयर मिल जाए. अगर क्लाइंट फ्लेक्सिबल है ट्रैवल डेट्स के लिए, वी विल बी एबल टू टेक द फेयर. ओके? बट अगर आप अनएथिकल वेज चूज करते हो फेयर लेने के, तो पेनल्टी भी आएगी फिर साथ में. ये भी मान के चलो अभी नहीं आई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में 100% एडीएम आएगा ही आएगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो आई एम गोइंग टू ट्राई द एथिकल वे, थोड़ा सा डेट्स को ट्वीक करके वी आर गोइंग टू ओपन दी क्लासेस, राइट? वाई आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन ओपन दी क्लासेस? क्योंकि गेम ही सारी क्लासेस को ओपन करने की है. क्लासेस खुद एयरलाइन ओपन करती है, राइट? 2 घंटे के लिए ओपन की, 3 घंटे के लिए की, मिडनाइट में एयरलाइन ने ओपन की, अर्ली मॉर्निंग में ओपन की. आपने ले ली जो ट्रैवल डेट पे आप जाना चाहते हो, उस डेट की मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट? आइसिंग ऑन द केक हो गई ना कि जिस डेट पे जाना है वो क्लास मिल गई आपको. क्लाइंट भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, राइट? दूसरा है कि आप देखते हो खुद क्लासेस ओपन करने की कोशिश करते हो, डेट्स को थोड़ा सा ट्वीक किया और आप वो क्लास ले लेते हो, आपको वो फेयर मिल जाता है. बट थोड़ा सा डेट्स को यू विल हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू अ ट्रैवल एजेंट रिक्वायरमेंट और अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट. गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये क्लासेस को ओपन करने के लिए आपको फेयर को समझना जरूरी है, जो मैंने अभी बताया.
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एफ क्यू कमांड, एफ क्यू बी बी एंड एफ क्यू बी ए, राइट? ठीक है, कमांड याद नहीं होती, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट तीनों का लॉजिक पता होना चाहिए. ठीक है, एफ क्यू बी ए इज द मास्टर कमांड, बाकी तो कुछ भी नहीं है, फेयर ही तो फाइल करना है, वो वैसे कोई भी ट्रैवल एजेंट कर लेगा. एफ क्यू बी ए इज द कमांड विच ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन, बट दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू गिव यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ यू आर एबल टू टेक दैट क्लास. ओके, सो एनी क्वेश्चंस एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क टिल हेयर? नो. ओके, सो आई एम शेयरिंग दी स्क्रीन अगेन. ओके, सो लेट्स वर्क ऑन दिस. अब मैंने एन क्लास होल्ड कर रखी है, राइट? और मैंने क्योंकि एफ क्यू कमांड रन की थी, तो मेरा 81 का फेयर भी फाइल हो गया है. क्लियर? आई फाइल दी फेयर ऑलरेडी, सो मैं इस फेयर को सेव कर देती हूँ. सो आई एम गोइंग टू मेक अनदर बुकिंग. लेट्स ट्वीक दी बुकिंग नाउ. 20th November दिल्ली टू हेलसिंकी, एंड स्पेसिफिकली आई एम पुटिंग अ फिल्टर फॉर फिन एयर एयरलाइन. देखो, मैंने 20 नवंबर किया, 15 को तो ओ क्लास ओपन हो गई, बट जेड अभी भी क्लोज है, राइट? आप एन ले रहे थे पहले, क्यू ओ जेड इज स्टिल क्लोज, बट जेड इज द चीपेस्ट क्लास. अगर जेड मिल जाए आपको आने जाने की, 6500% मिल जाना है आप, राइट? बट मुझे ओ तो मिल रही है यहाँ पर, मैं ओ ले लूंगी. अब मैं थोड़ा सा आगे पीछे करती हूँ डेट्स को. सो 20th नवंबर का ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है मुझे आउटपुट. आई एम गोइंग यूजिंग शॉर्टकट टू कन्वर्ट द डेट टू नेक्स्ट डे. सो आई हैव मेड इट, मेड दिस नाउ टू, मैंने 1st ऑफ नवंबर कर दिया मैंने इसको. आई स्टिल हैव ओ क्लास ओपन, ओ भी ओपन हो गई क्यू के बाद. आई अगेन मेक इट, देखो ओ क्लोज है. सो अभी लिंक कर पा रहे हो, 22 नवंबर को अगर ट्रैवल कराते हो क्लाइंट को, तो ओ क्लास क्लोज है, नहीं मिलेगा फेयर, क्यू तक का ही फेयर मिल सकता है, राइट? और अगर 21 नवंबर को ट्रैवल करवाते हो क्लाइंट को, तो ओ क्लास भी मिल जाएगी. एन तो ओपन दिख ही रही है हमें अभी भी, और जेड क्लोज है. जाने की ले लो, रिटर्न की मिल जाएगी. द चैलेंज इज जाने की क्लास लेना. अब देखो ये ओ ओपन हो गया. सो 24 को भी ओ ओपन है, 21, 22 को भी, 21 को भी ओपन है, बट 22 को नहीं है. तो मतलब अगर 22 नवंबर को क्लाइंट ट्रैवल करता है, तो आपको सस्ता फेयर नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव फेयर मिलेगा, राइट? बट अगर 24 को ट्रैवल करवाते हो आप क्लाइंट को, इफ यू आर एबल टू डेट चेंज द ट्रैवल डेट ऑफ योर पैसेंजर टू 24th नवंबर, यू विल बी एबल टू गेट चीप फेयर. संडे को भी एयरलाइन की मर्जी है, एयरलाइन जब मर्जी ओपन करे, इट ऑल डिपेंड्स. एंड देन यहाँ भी ओ, देखो जेड ओपन है ही नहीं है. जिस दिन जेड ओपन हो गई ना, जिस डेट पे, तो वो आप क्लास अगर ले लोगे, 65 का फेयर मिल जाएगा आपको. अभी सब डेट्स पे मुझे ओ ओपन दिख रही है. ओके, लेट्स कम मोर क्लोजर, मे बी 25th of October दिल्ली टू हेलसिंकी AY. देखो क्यू भी क्लोज है, ओ भी क्लोज है, जेड भी क्लोज है 25 अक्टूबर को, राइट? विच इज 9 डेज फ्रॉम टुडे. सो अगर आपको 25 अक्टूबर का देखना है, तो आपको एन क्लास का फेयर मिलेगा 81,000, जो हमने अभी सेव किया, राइट? लेट मी जस्ट ट्वीक दी ट्रैवल डेट अगेन. अगेन देखो क्यू और जेड क्लोज है 26 अक्टूबर को. एंड एक एक करके आगे चलोगे, सो यू विल बी ऑल, यू विल ऑलवेज गेट बेटर रिजल्ट, क्योंकि आप देख पाओगे किस दिन कौन सी क्लास ओपन है, किस दिन कौन सी क्लास क्लोज है. हम चाहें तो शॉर्टकट करके 10 नंबर और आगे जा सकते हैं, बट देर इज नो पॉइंट डूइंग इट, क्योंकि जब तक आप 1-1 डे की अवेलेबिलिटी नहीं देख रहे हो, यू विल नॉट कम टू द राइट सोल्यूशन. अभी तो हम सिर्फ इकोनॉमी क्लासेस देख रहे हैं. फर्स्ट क्लास को अगर आप नोटिस करें, वो भी ओपन क्लोज हो रही हैं क्लासेस. देखो क्यू ओपन हो गई यहाँ पर. सो ऑन 1st नवंबर योर क्यू इज ओपन, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं क्यू क्लास ले रही हूँ. ओके, एक से पीएनआर में काम हुआ मेरा. सो आई एम मेकिंग इट 1st नवंबर दिल्ली टू हेलसिंकी बाय AY.
ओके बॉस नवंबर दिल्ली टू हेलसिंकी बाय ए वन. सो आई एम होल्डिंग क्यू क्लास है और मैं कोशिश करती हूँ कि रिटर्न की भी मुझे क्यू क्लास अगर मिल जाती है. आई विल शो यू मल्टीपल फेयर्स. ओके देखो यहाँ पे क्यू क्लोज है 10 नवंबर के लिए. इट्स क्लोज. मुझे फेयर बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा क्योंकि मुझे एल क्लास मिल रही है. राइट 10 नवंबर के लिए. यहीं से आपको पता चल रहा है आप क्या आपने सीट उठाई. अभी तो मैंने एल क्लास को उठाया ही नहीं बट मुझे पहले ही आइडिया लग गया कि मुझे फेयर एक्सपेंसिव मिलने वाला है. गेटिंग माई पॉइंट. क्योंकि सारी तो लोएस्ट क्लासेस क्लोज है तो मैं सीट उठाऊ ही क्यों. तो जब आप सीट उठाते हो आप एयरलाइन की इन्वेंट्री को सच में यूज कर रहे हो. जब आप सच में यूज करते हो एयरलाइन के स्टॉक को, एयरलाइन को पता चलता है कि आप सीटें उठा रहे हो फिर छोड़ रहे हो. आप स्टॉक को उठा रहे हो छोड़ रहे हो. टू अवॉइड दिस राइट आप अवेलेबिलिटी से पहले से ही जान लो कि क्लास आपको मिल रही है सस्ती कि नहीं मिल रही है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. बार बार उठाना सीट को छोड़ना उठाना छोड़ना इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस इन जीटीएस. राइट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ओनली यू शुड नो क्लास उठानी भी है कि नहीं है. साफ साफ पता चल रहा है एल क्लास है मुझे उठानी ही नहीं है. फेयर ही बहुत महंगा मिलने वाला है. कहाँ 65,000 का फेयर कहाँ 81 जो लेके रखा है मैंने. ये 81 से काफी ज्यादा होने वाला है एल क्लास का फेयर. राइट सो वी कैन मैम, आई हैव अ चेंज. क्वेश्चन दैट गो एंड गो. सिंस यू सेड दैट 65 को जो फेयर मिल रहा है जेड क्लास में, सो वी कांट नो कि कौन सी डेट पे मिल रहा है नो इंस्टेड ऑफ नो चेकिंग एवरी डे. अच्छा दैट इज द एक्सपर्टीज ऑफ द ट्रैवल एजेंट राधिका. यहीं तक तो पहुंचना है. आप 81 पे हो सकता है रुक जाओ. मे बी रमीज इज एबल टू गिव 70 एंड स्किना इज एबल टू गिव 77 एंड फॉर एग्जाम्पल वरुण गिव्स यू 65. दैट इज वाई द क्लाइंट विल गो टू वरुण एंड मैम, टू आई एम यू जस्ट और टू सेइंग मी. दैट यू चेक द जेड क्लास, दैट दोनों जेड क्लास का 65 मिल रहा था, तो हाउ डिड यू चेक दैट कि वो दैट इज अ मिनिमम फेयर. वो कमांड से चेक किया. दैट इज द मास्टर कमांड. दैट इज द कमांड व्हिच फोर्सेस यू टू रीच टू द अनएथिकल और द एथिकल प्रैक्टिसेस. बट इट राइट डजंट शो यू व्हिच डेट इट इज अवेलेबल. दैट इज नेवर पॉसिबल. दैट इज द ओके एक्सपर्टीज ऑफ. यही तो एक्सपर्टीज है ट्रैवल एजेंट की. यही तो सिस्टम का कंट्रोल है जिसको. ओके दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग राइट. एंड दिस इज राइट. व्हाट इज नॉट रिटन इन एनी नोट्स और समवेयर. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ. दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क विथ विच अ ट्रैवल एजेंट शुड डू इट. अगर ट्रैवल एजेंट टाइम देगा तो राइट बिल्कुल मिल जाएगा. लेट्स डू इट. वी हैव हाफ एन आवर मोर विद अस राइट. सो हम कोशिश करते हैं राइट देखते हैं हाफ एन आवर में मिलता है कि नहीं मिलता है. ओके ओके ओके. सो नाउ क्यू क्लास इज ओपन. 10 नवंबर को क्यू क्लास मेरी क्लोज थी. मुझे बहुत एक्सपेंसिव फेयर मिलने वाला था बट मैंने 11 कर दिया. क्यू ओपन हो गई. सो आई कैन सी द फेयर ऑफ क्यू क्लास नाउ. मैंने क्यू होल्ड करी है. जस्ट सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो आई एम होल्डिंग क्यू क्लास नाउ. राइट पहले एन क्लास का मैं फेयर सेव कर चुकी हूँ. 81,000 का फेयर मैं ले चुकी हूँ. ठीक है कि एटलीस्ट मैं क्लाइंट को कुछ तो दूंगी. आई डू एफ क्यू हेयर एंड आई कैन सी 74 का फेयर. राइट तो 74 पे आ गए हम 81 से. अब गेटिंग माई पॉइंट. सो 81 से यू हैव रिड्यूस्ड इट एंड यू यू कैन इजिली गेट 74 का फेयर. क्लियर. ठीक है. सो वी नो कि हमें 1 नवंबर 11 नवंबर पर 74 का फेयर मिल रहा है. 81 वाला बेकार हो गया हमारे लिए क्योंकि मैं होल्ड कर पा रही हूँ 74 का फेयर बहुत अच्छे से. ओके सो आई एम गोइंग टू इग्नोर दी पीएनआर अभी. आई ऑब्वियसली आई एम मोर ग्रीडी नाउ टू ब्रिंग द फेयर मोर डाउन बिकॉज आई नो क्लासेज ओपन हो सकती हैं. सो लेट्स चेंज दी ट्रैवल डेट अगेन. आई थिंक 24th of November पे था. आई एम शोइंग यू द वे हाउ टू रिड्यूस दी फेयर्स. ओके आई हैव ओ क्लास हेयर. मुझे जेड तो हर जगह क्लोज दिख रही है बट मैं कोशिश करूंगी ओ और जेड का कॉम्बिनेशन ले लूँ. पहले ओ को लेते हैं सिर्फ अगर मिल जाती है तो. एंड रिटर्न फॉर एग्जाम्पल वी सी ऑन 5th of December. नाउ मैं कोई भी ट्रैवल डेट्स ले रही हूँ. योर वर्क इज टू वर्क ऑन द एडजेसेंट डेट्स राइट. आपको जो क्लाइंट को प्रेफरेबल हो वो आप कोशिश करो लेने की. ओके सो आई कैन चेक दिस ओ क्लास का फेयर. सो मैंने ओ क्लास होल्ड कर ली है दोनों तरफ. जस्ट सी केयरफुली आई एम होल्डिंग ओ क्लास. लेट्स चेक द फेयर फॉर ओ क्लास. ओके सिस्टम इज सेइंग देयर इज नो फेयर फॉर माय क्राइटेरिया क्योंकि मैंने गलत मैम, रिपीट हो गया, आइटिनरी. रिपीट हो गया. यस आई एम होल्डिंग अ रॉन्ग आइटिनरी.
सो आई एम डूइंग अगेन 5 दिसंबर हेलसिंकी टू दिल्ली बाय ए वायर, क्योंकि मैंने रॉन्ग आर्टिनरी होल्ड कर ली थी, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग रिपेयर. ओके, सो वी हैव बीन एबल टू ओपन जेड क्लास ऑल्सो. सी केयरफुली, जेड क्लास ओपन हो गई आपके लिए रिटर्न के लिए, राइट? ओ, अब ओ क्या करना है जब जेड ही ओपन हो गई है, राइट? तो मैं जेड ले लेती हूँ वहां. नाउ आई एम होल्डिंग ओ एंड जेड क्लास, राइट? अब ऊपर की अगर मुझे जेड क्लास मिल जाए, 65 डेफिनेटली मिल जाने वाला है मुझे, गेटिंग माई पॉइंट? बट ऊपर की जेड नहीं मिली, हम और कोशिश कर सकते हैं लेने की, आप और ट्वीकिंग कर सकते हो चाहो तो. बट मैंने पूरा मैम, बट इसमें तो जेड के बाद वाली क्लासेस भी अवेलेबल थी, वोंट दे बी मोर चीपर? नो, यू मिस दी मिस दैट पार्ट. दे आर दी क्लासेस विच आर ओपन फॉर लॉन्ग राउटिंग्स बियॉन्ड हेलसिंकी फिनलैंड और फॉर अ रिटर्न जर्नी. रिटर्न के लिए नहीं है ओपन, वो हम समझ गए हैं अभी, बिकॉज रिटर्न के लिए जेड ही दिखा रहा है ना सबसे सस्ता फेयर, वो लॉन्ग राउटिंग्स के लिए ओपन है. राउटिंग्स टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, राउटिंग टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, मे बी यूरोप ऑल्सो, एनी वेयर, बट बियॉन्ड हेलसिंकी द एयरलाइन विच आर गोइंग थ्रू हेलसिंकी बट कवरिंग मोर डिस्टेंस. ओके, सो नाउ, सो 67 आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 65 से. सो वी आर वे बेटर देन वॉट वी वर गेटिंग 81,000, राइट? बट ये कॉम्बिनेशन जो है क्लासेस का, ये खुद समझना है आपने, राइट? ओ और जेड आपने उठाया, हो सकता है इस कॉम्बिनेशन का फेयर ही ना हो, हमें सिस्टम ने दिखाया भी नहीं कहीं 67 का फेयर, गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू. सिस्टम ने मुझे 81 का दिखाया, 70 का दिखाया, 65 का दिखाया. नो वेयर सिस्टम टोल्ड मी कि 67 का फेयर भी मिल सकता है, 74 का भी मिल सकता है, गेटिंग माई पॉइंट? पता चलता भी नहीं है सिस्टम से. आपको खुद क्लासेस के कॉम्बिनेशन उठाने हैं, फेयर को समझना है. बट यूज योर इंटेलिजेंस हेयर कि अगर 65 का फेयर है, 81 का फेयर है, 70 का है, बीच के फेयर्स भी तो होंगे ना, जब क्लासेस दिख रही हैं तो फेयर भी तो होंगे बीच के, गेटिंग माई पॉइंट? कॉम्बिनेशन के फेयर्स होंगे. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो 81 आपने लिया क्योंकि एन क्लास अवेलेबल थी, उसके बाद क्यू क्लास आपने ओपन की, क्यू का फेयर लिया विच केम आउट टू बी अराउंड 74. हमने भी ओ का चेक नहीं किया, ओ का भी कहीं बीच में आता, 69 और मे बी 70 इस तरीके से आ जाता ओ का, राइट? तीन तीन चार चार हजार का डिफरेंस पड़ता चला जाता है. जेड मुझे मिल नहीं रही आने जाने की, बट रिटर्न की मिल गई, ठीक है, जाने की नहीं मिल रही बट ओ मिली. मैंने लिया कॉम्बिनेशन का फेयर, खुद देखा एंड आई एम गेटिंग दी फेयर, राइट? सो 67 पे आ गए. अर्लियर यू वर इशूइंग 81 या 70 मिल भी रहा था आपको आराम से, बट स्टिल यू हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 70 टू 67, गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही लगे रहोगे 65 भी आई जाएगा, बट यू हैव टू कैलकुलेट दी वर्थ ऑफ योर टाइम नाउ. 67 65 में हार्डली 2,000 का डिफरेंस है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड की इज 67 अ गुड फेयर फॉर यू और यू स्टिल वॉन्ट टू स्ट्रगल फॉर 65, क्योंकि 65 से नीचे नहीं मिलेगा. सो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन हियर, आर दी फेयर्स डायनेमिक? I always say, ask this question, and I will say also after this कि क्या फेयर डायनेमिक है? हम 25 अक्टूबर से शुरू हुए बुकिंग करना, राइट? हम 5 दिसंबर पे पहुंच गए, राइट? 1.5 month पीरियड, आर दी फेयर डायनेमिक? अगर मुझे जेड क्लास 25 अक्टूबर को ही मिल जाए, मुझे तब भी 65 का फेयर मिल जाएगा. अगर मुझे जेड क्लास 10 अक्टूबर 10 नवंबर की मिले तो भी मुझे 65 का फेयर मिलेगा. अगर मैं जेड क्लास ले लूं 25 नवंबर की, तब भी 65 का फेयर है. 5 दिसंबर की ले रही हूं, तब भी 65 का है. और रिसर्च कर लो, तब भी 65 का आएगा. सो आर दी फेयर्स डायनेमिक? फॉर अ ट्रैवल एजेंट, फेयर्स आर नेवर डायनेमिक, क्लासेस क्लासेस आर डायनेमिक। आर डायनेमिक. यस, इफ यू आर एबल टू ओपन दी क्लासेस, देन यू आर एबल टू गेट दी फेयर ऑल्सो. फेयर्स आर डायनेमिक ओनली फॉर द कस्टमर, फॉर द कंज्यूमर हु इज यूजिंग वेब पोर्टल्स, राइट? फेयर्स आर नेवर डायनेमिक फॉर अ जीडीएस यूजर और फॉर अ ट्रैवल एजेंट जिसको जीडीएस यूज करना आता है, राइट? सो आप हमेशा ले लोगे ये 67 का फेयर, 65 भी ले लोगे, राइट? दैट इज वाई फ्यू ट्रैवल एजेंट वुड गिव यू अ चीपर फेयर, फ्यू वुड नॉट बी एबल टू गिव यू अ चीपर फेयर. बिकॉज जीडीएस जिसको अच्छे से यूज करना आता है, जिसको टिकटिंग को यूज करना आता है, दैट पर्सन विल बी एबल टू गिव यू अ गुड फेयर ऑन दिस, राइट? ओके, सो लेट्स सी दी कंडीशंस फॉर दिस, ठीक है? इस फेयर को फाइल करते हैं, इसकी कंडीशन समझते हैं.
ओके सो लास्ट डेट टू परचेज द टिकट इज 19th अक्टूबर. सो आई कैन होल्ड दिस फेयर टिल 19th अक्टूबर 15:32 दिल्ली टाइम. तो मैं 19 अक्टूबर 3:30 बजे तक इस फेयर को होल्ड करके रख सकती हूँ. उसके बाद नहीं कर पाऊंगी. उसके बाद ये फेयर मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? ये मुझे फेयर ने बोला है. अगर मुझे एयरलाइन बोल देती है, इसके बाद सपोज एयरलाइन ही मुझे एक रिमार्क भेज देती है कि नहीं आपको 2 घंटे में टिकट इशू करनी है, तो मुझे एयरलाइन की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मेरी आइटिनरी रिजेक्ट हो जाएगी. मेरी आइटिनरी है दिल्ली टू हेलसिंकी, हेलसिंकी टू दिल्ली. गेटिंग माई पॉइंट? फेयर कुछ भी बोले, हमें फेयर की डेट को नहीं देखना है, हमें एयरलाइन की डेट को देखना है. राइट? अगर वो पहले है तो हमें उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा. नहीं तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे एयरलाइन के रिमार्क्स को, जिसे हम बोलते हैं वेंडर रिमार्क्स, तो आइटिनरी रिजेक्ट हो जाएगी आपकी. और जब आइटिनरी ही कैंसिल हो गई तो फिर फेयर कैसे लोगे? जब एयरलाइन ने आइटिनरी को ही नो कर दिया, फेयर अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स सी, अगर कोई वेंडर रिमार्क आया है तो. अभी फेयर फाइल नहीं किए हैं. ओके, सी केयरफुली नाउ. वेंडर रिमार्क आया है? नो, वी डोंट हैव इट राइट. कुछ नहीं आया अभी. आएगा तो दिखाऊंगी. इसमें भी कुछ नहीं. बिना क्या कमांड लगाई थी अभी आपने? 3-4 कमांड जो लगाई, क्या फिर था? किया था बस. सुखवीर, कुछ नहीं किया. बुकिंग बनाई है, नेम एलिमेंट डाला, फोन नंबर एलिमेंट, टिकटिंग एलिमेंट, रेफरेंस एंड सेल. वही सेम प्रोसेस जो जीडीएस में बुकिंग बनाने का होता है. तो दिस इज माय फेयर विच इज 67,000. और मेरी बुकिंग होगी इसमें एवाई पर, विच इज फिन एयर, हेलसिंकी की एयरलाइन. ओके, अब टिकट इशू करने के लिए जिनको. हाँ जी बोलिए. सॉरी, आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं अभी हमें दिखाने के लिए? गैलीलियो? नहीं, गैलीलियो में मतलब आपका टीचिंग वाला है? ओके हाँ, दिस इज टीचिंग वाला ओनली. ओके, क्योंकि मुझे ना 24 नवंबर को मेरे सिस्टम में जेड क्लास दिख रही है ओपन, पर वेरी पांच गुड ले दिसंबर लो, को नहीं दिख रही हो। हाँ वेरी गुड ले लो. जाने की दिख रही है आपको ना? 5 दिसंबर जी को मैंने ले ली ना. जो मैंने हाँ ले जी, ली मुझे था आपके एक पास क्लोज हो दिसंबर जाएगी ना. को दिख रही है वो, मतलब 1 दिसंबर और 24 नवंबर को नहीं, डेटा लाइव होगा मेरे दोनों। पास भी. मोस्ट लाइकली डेटा वुड बी लाइव ऑन माय सिस्टम आल्सो फॉर दिस एयरलाइन. और मैं चेक करूंगी, दिख जाएगी. लोएस्ट क्लास ले ली ना? हाँ जी हाँ, दोनों मेरे पास, दोनों जेड मिल गए मुझे। बस ठीक है. आप फिर आप अच्छे हो गए ना मुझसे. आप 65 का ले लिया, सही है ना? इफ माय स्टूडेंट इज सेइंग दैट ही इज एबल टू टेक अ फेयर व्हिच इज लेस देन व्हाट आई एम ऑफरिंग यू, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? इट इज द एप्रिसिएशन फॉर मी, आई वुड टेक इट रादर. राइट? सही है ना? तो सुखवीर हैज गॉट अ बेटर फेयर देन मी. राइट? मेरा फेयर 2,500 रुपये महंगा है. ओके ठीक है. सो अब नाउ वी नीड टू मॉडिफाई, वी नीड टू ऐड दी टिकटिंग मॉडिफायर्स टू इश्यू दी टिकट. ओके, टिकटिंग मॉडिफायर जब हम ऐड करते हैं तो हमें उसमें फॉर्म ऑफ पेमेंट लिखना होता है और कमीशन एलिमेंट डालना होता है. अब ये एयरलाइन कितना कमीशन दे रही है मुझे, वो मैं इस कमांड से चेक कर सकती हूँ, विच इज TPC 1. TPC इज द कमांड टू चेक द कमीशन जो हमें एयरलाइन ऑफर कर रही है, जिसपे आपकी प्राइसिंग हो रखी है, जिसका आपने फेयर फाइल कर रखा है. 1 का मतलब है दिस वन. राइट? जो आपने फेयर 67 का फाइल किया हुआ है, उस पर एयरलाइन कितना कमीशन देने वाली है आप. राइट? PLB कितना देने वाली है, विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस लिंक बोनस. सो मुझे लिखना नहीं है एयरलाइन का कोड, अपने आप सिस्टम ले लेगा इस फेयर से. सो सिस्टम इज शोइंग मी 0. तो कोई कमीशन नहीं है इस एयरलाइन की तरफ से. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एयरलाइन की तरफ से मिले, बट दिस इज द कमांड. आई विल शो यू. एयर इंडिया देती है, दिख जाएगा आपको. बहरीन की एयरलाइन भी देती है, यू विल बी एबल टू सी. सो नाउ टू ऐड द टिकटिंग मॉडिफायर्स, आई एम गोइंग टू डू TMU 1, विच मीन्स एडिंग टिकटिंग मॉडिफायर्स. फॉर्म ऑफ पेमेंट मैं कैश कर रही हूँ, कमीशन को मैं 0 कर रही हूँ. आई कैन नॉट यूज एनी अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट बींग दी ट्रेनिंग सिस्टम. आप लोग जो फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज करना चाहें टू पे फॉर दी टिकट, यू कैन डू इट. राइट? सो Z0 मीन्स कमीशन इज 0. सो आई एडेड द टिकटिंग मॉडिफायर्स. सो आई एम गोइंग टू सेव माई PNR. ओके, वेन एवर यू गेट सच एरर, इट मीन्स योर कमांड्स आर नॉट बींग प्रोसेस्ड, सो वी नीड टू फाइल इट अगेन. सो आई एम फाइलिंग द फेयर अगेन. ओके, आई हैव फाइल्ड द फेयर. आई एम डूइंग कमीशन एलिमेंट एंड फॉर्म ऑफ पेमेंट एज 0. एंड नाउ आई एम सेविंग इट. ओके,
नाउ दे आर बीइंग सेव, नाउ आई कैन गो अहेड टू इशू द टिकट. सो टीकेपी इज गोइंग टू इशू द टिकट फॉर मी. डीटीडी इज द मॉडिफायर टू इशू माई आइटनरी अलॉन्ग विद माई इनवॉइस एंड द टिकट. सो मोमेंट आई डू दिस, सिस्टम गिव्स मी अ प्रॉम्प्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक टिकट हैज बीन इश्यूड विद द फेयर ऑफ 67734. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर जनरेटेड विच मीन्स आइटिनरी. बट ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना सारे बैकएंड में चले जाते हैं. अगर आपको चाहिए आपके पास, वी हैव टू यूज कमांड्स. वी कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट द आइटिनरी एंड ई टिकट, और कुछ नहीं हम निकाल पाएंगे. दे आर फॉर द बैकएंड पर्पज. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू विल बी एबल टू सी फ्यू न्यू एलिमेंट्स इन योर पीएनआर, स्टार HTI एंड स्टार HTE. सो स्टार HTE इज यूज टू डिस्प्ले द टिकट, अगर आपको टिकट देखनी है. एंड स्टार HTI इज अ रिपोर्ट फॉर्मेट, यू कैन से दिस इज द ट्रांजेक्शन रिपोर्ट समरी. अ टिकट हैज बीन इशूड फॉर किंगर सरोज, किंगर इज द लास्ट नेम, सरोज इज द फर्स्ट नेम. दिस इज द टिकट नंबर, द करेंसी इज इंडियन रुपीज, एंड द टिकट वैल्यू इज 67734 इलेक्ट्रॉनिक टिकट. दिस इज द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एवरीथिंग अ ट्रैवल एजेंट हैज टू पे टू द एयरलाइन. राइट, आप जितने मर्जी का भेजो, दैट्स योर विश. एंड वेन यू डू स्टार HTE, यू गेट द ई टिकट इन फ्रंट ऑफ यू. सो दिस इज द ई टिकट, चाहो तो यहां भी डिस्प्ले कर सकते हो विद द सेम कमांड, जहां मर्जी रीड कर लो, जहां पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है. सो यू सी केयरफुली, दिस इज द टिकट नंबर. टिकट नंबर में फर्स्ट थ्री डिजिट्स होते हैं एयरलाइन के. सो 105 इज द कोड फॉर द फिन एयर एयरलाइन. उसके बाद टिकट नंबर जनरेट हुआ फॉर द पैसेंजर, कब इशू हुआ वो लिखा है, फॉर्म ऑफ पेमेंट कैश लिखा है बिकॉज आई हैड मेंशन कैश, कहाँ से इशू हुआ आपका गैलीलियो का आईडी है, कौन सी एयरलाइन पर इशू हुआ AY, आईटा नंबर लिखा होगा आपका यहाँ पर बिकॉज ओनली आईटा एजेंट कैन इशू द टिकट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओपन, विच मीन्स योर टिकट इज ओपन फॉर यूज. राइट, ओपन फॉर यूज का मतलब है दैट यू कैन कैंसिल द टिकट, यू कैन रिफंड द टिकट, यू कैन री इश्यू द टिकट, यू कैन डू एनीथिंग विद द टिकट, प्रोवाइडेड यू फॉलो द फेयर नोट. जो वहां पे पेनल्टी लगी है वो आपको लगा के री इश्यू करना है. अगर टिकट को कैंसिल करना है, कैंसिलेशन की पेनल्टी है वो लगाकर आप उसको कैंसिल कर सकते हो. आपको एक्सचेंज करना है टिकट को, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड द एयरलाइन इज फॉलोइंग टू टेक द कैंसिलेशन पेनल्टी और टू री इश्यू द टिकट, एंड यू कैन डू री इश्यू द टिकट. राइट, और क्योंकि हमने दो अलग अलग क्लासेस ली हैं तो दोनों क्लासेस के फेयर रूल्स डिफरेंट होंगे. सी है, दिस फेयर बेसिस इज द इंडिकेशन ऑफ द फेयर रूल. इसके अंदर फेयर रूल छुपा होता है पूरा का पूरा, हम इसकी डिटेल निकालते हैं. सो वी गेट टू नो द फेयर रूल. राइट, और इस फेयर रूल के अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट. आप चाहो तो रिटर्न जर्नी में चेंजेस कर लो, चाहो तो जाने वाली में चेंजेस कर लो, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स विच आर मेंशन. बट रूल्स आर डिफरेंट बिकॉज बोथ द फेयर बेसिस, बोथ द फेयर रूल आर डिफरेंट बिकॉज वी हैव टेकन डिफरेंट क्लासेस. इफ यू टेक सेम क्लास, द फेयर रूल जो होता है एक ही फेयर बेसिस में होता है. ओके, एंड इट इज रिटर्न, इट इज अ नॉन रिफंडेबल टिकट. ऑल दो टैक्सेस का रिफंड मिल जाता है, फेयर नोट पढ़ना चाहिए, पार्शली रिफंडेबल भी हो सकती है टिकट. ओके, देखो वन वे जर्नी का फेयर हमें सिस्टम बता रहा था 51,000 का, रिटर्न का है 67,000 का. राइट, बिकॉज यू आर एबल टू टेक 67 का फेयर, अदरवाइज बाय गोइंग बाय द फर्स्ट पॉइंट फेयर हमें 81 या 70 का दिखा रहा था. राइट, सो दिस हैज टू बी ओपन इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग विद द टिकट. ओके, अगर आप चाहते हो आपका एक भी पैसा ना कटे और आप इस टिकट को कैंसिल कर दो, उसे बोलेंगे हम वॉइड करना टिकट को. एनी वन हु नोज वॉट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड, जो लोग मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं दे ऑलरेडी नो आई बिलीव अदर्स. तो राइट, वॉट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? जी मैम, सेम डे में टिकट को रात को 12 बजे से पहले इसको कैंसिल कर दें तो अवॉइड हो जाएगी, राइट इसके राइट, अंदर की कोई चार्जेस नहीं होंगे। कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. अगर आप टिकट को जिस दिन इशू की आपने, राइट, उसी दिन सेम डेट में आज रात के 12 बजे से पहले, मतलब अगर आप टिकट को कैंसिल कर दें तो वो वॉइड कहलाएगी, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे उसमें, 0 रुपीज. राइट, सो यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट अमाउंट बैक. ओके, सो 12 बजे से पहले का रूल फॉलो करना है. सो एज अ प्रैक्टिस
एक ट्रैवल एजेंट ये कर सकता है जो उसके लिए बहुत अच्छी फायदा देगा उसको, कि अगर आपको टिकट को लाइव रखना है, फॉर एग्जाम्पल आप आज रात को 12:02 पर 12:03 पर इशू करो, राइट, 17 अक्टूबर को टिकट, और कल 17 अक्टूबर 12 बजे से 2-4 मिनट पहले कैंसिल कर दो, आप ऑलमोस्ट 24 आवर्स टिकट को लाइव रख पा रहे हो, राइट। सो एज अ प्रैक्टिस ट्रैवल एजेंट रात को अगर टिकट इशू करता है 12:05-7 मिनट पर, और उसी दिन शाम को रात को 12 बजने में जब 5-7 मिनट रह गए, टू अवॉइड लास्ट मिनट ग्लिच, एटलीस्ट 5 मिनट पहले काम कर लेना चाहिए, आप कैंसिल करते हो, आप टिकट को बहुत देर तक लाइव कर पाते हो, बट आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं उस केस में, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, कि टिकट को लाइव करना किसे बोलते हैं। देखो ये जो टर्मिनोलॉजीज बनी है ना, टिकट को लाइव करना या फिर क्लासेस ओपन करना, ये सब टर्मिनोलॉजीज कोई एयर टिकटिंग की नहीं है, ये ट्रैवल एजेंट की खुद की बनाई हुई टर्मिनोलॉजीज है, राइट। ये खुद की टर्मिनोलॉजीज बनी हुई है, कुछ कोई एयरलाइन नहीं बोलती है ये चीज, या फिर कोई आईटा नहीं बोलता है, आईटा तो प्रेफर भी नहीं करता कि आप लोग ऐसा करो, तो एक्सपर्टीज है, आप जैसा यूज करो, सिस्टम को एथिकल वेज में कर ही सकते, राइट। सो दैट इज कॉल्ड वॉइड अंडर बीएसपी, बट ये जो सेम डे का रूल है दैट इज अंडर बीएसपी। अगर कोई यूएस में एआरसी के साथ रजिस्टर्ड है, विच इज अनदर एक्रीडिएशन लेवल, विच इज अनदर बिलिंग एंड सेटलमेंट काइंड ऑफ अ प्लान फॉर नॉर्थ अमेरिका रीजन, राइट, स्पेसिफिकली फॉर यूएसए, तो एआरसी में आपको 72 घंटे मिल जाते हैं, सो यू गेट 72 आवर्स टू वॉइड द टिकट, मतलब आप 3 दिन तक टिकट को लाइव कर सकते हो, राइट। और अगर सैटरडे संडे आ जाए बीच में, तो फिर 4 दिन के लिए भी लाइव रख पाओगे, 5 दिन के लिए भी रख पाते हो लाइव, राइट। सो 5 दिन लाइव टिकट को रखना इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी चार्जेस, राइट। सो देर आर बेनिफिट्स फॉर एआरसी यूजर्स, ऑब्वियसली यू पे अ गुड अमाउंट ऑल्सो टू टेक एआरसी, एआरसी हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट दैट इज एक्रेडिशन लेवल विच इज देयर इन यूएसए। सो एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क हियर? मैम, कर इंडिया की कंपनी को भी एआरसी रजिस्टर हो, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम भी इंडिया सकते हो, बट में। इट इज इन यूएस ओनली, यू हैव यू नीड टू हैव द यूएसए एड्रेस, यूएसए कंपनी चाहिए। योर कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड इन यूएसए, ओके। और डॉक्यूमेंट भेज मैम दूंगी आपको, चेक कर लेना, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्रीडिएशन ऑफ एआरसी, ओके, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? पर ये आपको टिकट नंबर भी इशू हो गया मैम इसमें ना, मतलब किस पॉइंट के बाद टिकट नंबर इशू हुआ आपका ये, जैसे टीकेपी कमांड, टीकेपी पे? टीकेपी कोई भी यूज कर लो, टीकेपी का मेथड, टीकेपी डीटीडी, टीकेपी डीआईडी, अलग अलग वेरिएशंस हैं टीकेपी की, कोई भी यूज कर लो। ओके, और इसमें पेमेंट नहीं करी आपने कोई भी मैंने पहले? फॉर्म ऑफ पेमेंट कैश किया हुआ है, क्योंकि वो सेट है मेरे सिस्टम पर, फॉर्म ऑफ पेमेंट कैश। अगर आप आईटा स्टैंडर्ड ट्रैवल एजेंट है, तो आप भी फॉर्म ऑफ पेमेंट कैश कर सकते हो। देखो आईटा गोलाइट में फॉर्म ऑफ पेमेंट कैश का तो नहीं मिलता है, बट आईटा स्टैंडर्ड में यू हैव दिस ऑप्शन, उसमें आप बीएसपी के थ्रू पे करते हो, अदरवाइज अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल लिखोगे यहाँ पर, या आईटा इजी पे डिटेल लिखोगे, जैसे आप पेमेंट करना चाहते हो। तो इजी पे डिटेल लिखा, अगर अकाउंट नंबर लिख दिया यहाँ पे, तो उसमें से पैसे नहीं कटेंगे? ओके, नहीं, उसमें से कटेंगे ना आपके पैसे, आईटा इजी पे में आपके फंड्स लोड होने चाहिए वॉलेट के अंदर। तभी टिकट नंबर मिलेगा मुझे। हाँ, अगर उसमें फंड्स नहीं है, राइट, तो आपका मैसेज आ जाएगा इनसफिशियंट फंड्स, टिकट इशू भी नहीं होती, और इशू हो भी गई इमीजिएटली वो जाएगी, अगर एरर, टेक्निकल एरर आ भी गया फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी इमीजिएटली इनवैलिड एंड रिजेक्टेड, होता ही नहीं है पहली बात तो। जब आप फॉर्म ऑफ पहले फॉर्म ऑफ पेमेंट लिखते हो, उसके बाद टिकट इशू होती है, जो आपने टिकटिंग मॉडिफायर में फॉर्म ऑफ पेमेंट लिखा, सिस्टम ही एरर दे देगा आपको, इनसफिशियंट फंड्स और पेमेंट नॉट अप्रूव्ड एनीथिंग। ओके, नाउ अनदर थिंग, ये आपकी टिकट इशू हुई, जस्ट नोटिस दिस वेरी वेरी केयरफुली, 105 इज द कोड फॉर फिन एयर, राइट, 3 डिजिट का एयरलाइन कोड है, उसके बाद आपकी टिकट इशू हुई है 110447, राइट। अब नेक्स्ट जो टिकट इशू होगी वो होगी 9905110448, उसके बाद जो होगी वो 449 होगी, राइट। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क, अपने सिस्टम पे देखना, आपके सिस्टम पे जो सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस में टिकट क्रिएट होगी, शुरू के 3 डिजिट डिफरेंट होंगे हमेशा, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक टू द एयरलाइन, बाद के टिकट नंबर जो है वो आप पहले से जान पाओगे कौन से इशू होने वाले हैं, राइट। 447 है ये, यू कैन नोट इट डाउन, मैं एक और इशू करके दिखाती हूँ, 448 आएगा, 449 आएगा, हम स्टॉक कंट्रोल को पहले से ही जान सकते हैं, राइट। और उसकी कमांड है HMTN/D,
यहां से हमें पता चल जाता है स्टॉक कंट्रोल क्या है, नेक्स्ट टिकट नंबर ये वाला इशू होगा 448, और कहां तक इशू होता रहेगा 599 तक। 152 टिकट्स बची है मेरे पास अभी करने के लिए इशू। जब ये पूरा 0 पहुंच जाएगा फिर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको जो टिकट इशू करने की नंबरिंग देता है वो 199 देता है, उसके बाद अपने आप स्टार्ट हो जाता है स्टॉक। बट यू नो नाउ जो नेक्स्ट टिकट नंबर इशू होगा वो 9905110448 होगा। शुरू के 3 डिजिट से अलग होने ही वाले हैं बिकॉज दैट इज द एयरलाइन नंबर, वो कभी सेम नहीं होने वाला। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी वरुण पूछो। मैम, ये तो क्लाइंट फ्लेक्सिबल था तो हमने क्लास खोल लिया बाद में डिफरेंट डेट पे। अगर क्लाइंट फ्लेक्सिबल ना हो, डेट्स नियर बाई की ही हो, ओके, देखो देन अगर क्लाइंट फ्लेक्सिबल नहीं है और क्लासेस ओपन भी नहीं कर पा रहे हो एट एनी टाइम, देन द मोस्ट प्रेफर्ड एंड द एथिकल वे इज ओके, यू कैन चेक एनी टाइम। तो दैट इज द मोस्ट एथिकल वे। अगर आप अनएथिकल वेज में जाओ तो अनएथिकल वे से कुछ भी कर लो बट पेनल्टी भी आएगी। अनएथिकल वे से तो चाहे अभी ले लो फेयर आप, राइट? एनी टाइम यू कैन गेट इट। इट्स नॉट अ, आई वुड से इट्स अ जॉब ऑफ नॉट मोर देन 1 आवर गेटिंग दी फेयर फ्रॉम दी अनएथिकल मीन्स, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दी पेनल्टी। सो यू अंडरस्टैंड की वर्थ है। अगर 1 लाख फेयर डाउन कर देते हो और 50,000 की पेनल्टी आती है तो फिर भी वर्थ है, राइट? बट अगर फेयर ही आपने 80 से 70 से 67 किया और पेनल्टी आपको आती है इस केस में 15,000 की, फिर वर्थ नहीं है ना आपकी। और अनएथिकल वेज जितने करोगे आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो अफेक्ट होती है आईटा के आगे। योर इमेज इन फ्रंट ऑफ आईटा, योर सिस्टम अब्यूज ऑल्सो काउंट्स, राइट? नंबर ऑफ एटीएम्स यू आर गेटिंग दैट ऑल्सो काउंट्स, राइट? सो दिस ऑलवेज वर्क्स आउट टू बी अ बेटर मेथड दैन चूजिंग दी अनएथिकल वेज। ओके एडीएम मैम, वाला जैसे क्या मतलब है मैम? मैम ओके वरुण, लेट मी जस्ट आंसर वरुण, फिर सुखवीर का आंसर करते हैं। गो अहेड वरुण। जैसे सेगमेंट एक्स्ट्रा एक सेगमेंट ऐड कर देते हैं तो वो अनएथिकल में आता है कि किसमें आता है? एथिकल में ओके, देखो हिज क्वेश्चन इज कि अगर हम सेगमेंट ऐड कर दे, देखो मैं बता देती हूँ सेगमेंट ऐड किसको बोलते हैं, राइट? सेगमेंट ऐड करने का मतलब होता है कि जो सिस्टम में लिखा है उसका सेगमेंट ऐड करो, राइट? आपको फेयर नोट पढ़ना चाहिए। आई थिंक दिस इज द टिकट वी इश्यूड, राइट? देखो फेयर नोट पढ़ो पूरा अच्छे से, और फेयर नोट में आपको बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि कौन सा सेक्टर एड ऑन हो सकता है बीच में। यू हैव टू इंटरप्रेट इट वेरी वेरी नाइसली। क्लियर? सो दिस यू कैन ऐड इन बिटवीन, डेफिनेटली फेयर नहीं बढ़ेगा, सेम फेयर पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर लोगे सेक्टर को, और ऐसे सेक्टर ऐड करने से बीच में क्लासेस ओपन भी हो जाते हैं, राइट? जैसे जेड क्लास हमें जाने की नहीं मिल रही थी, ऑल दो सुखबीर को मिल गई है, राइट? तो हम जब सेक्टर बीच में ऐड करते हैं, राइट, हमें बहुत बार क्लासेस ओपन मिल जाती हैं, सो वी आर एबल टू क्रिएट अ थ्रू टिकट, जैसे हम बोलते हैं थ्रू टिकट, थ्रू टिकट बन जाएगी, और जो आपने सेक्टर एड ऑन किया उसके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, 67 का 67 ही रहेगा। बट दैट स्टॉप ओवर की डेफिनेशन पढ़नी है, 5 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए एज पर हेलसिंकी एयरलाइन, ईवा फिनेयर एयरलाइन सॉरी, एंड स्टॉप ओवर कहाँ होना चाहिए वो बड़ा क्लियरली लिखा है। इट हैज टू बी इन आईटा 3 और इट हैज टू बी इन हेलसिंकी। व्हेन दे से हेलसिंकी इट मींस फिनलैंड, राइट? सो बट अगर स्टॉपओवर ऐड करते हैं तो बट क्लाइंट इज नॉट ट्रैवलिंग दैट रूट तो वो नो शो में तो नहीं हो जाएगा? यस, इट कैन गेट कन्वर्टेड बिकॉज इट इज अ स्टॉप ओवर, इट इज नॉट अ लेवर, इट विल गेट कन्वर्टेड, राइट? यू विल हैव टू डिलीट इट लेटर ऑन दैट, राइट? यू हैव टू डिलीट इट लेटर, बट दैट अगेन कम्स अंडर दी अनएथिकल प्रैक्टिस। डिलीटिंग इट ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस ओनली, बट येस स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू मच। ओके, विल
क्लास तो ले ली ना आपने एक बार, इट विल अफेक्ट बट नॉट मच. ओके हाँ जी सुखवीर, यू हैड अ क्वेश्चन. हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि एडीएम वाला मेथड कौन सा है। हाँ एडीएम वाला मेथड होता है सेगमेंट्स को ब्रेक करना एंड ऑल, राइट. बहुत सारे मेथड है, एक नहीं होता है. जैसे इन्होंने भी, वरुण ने भी बात की, तो जो सेक्टर एड ऑन करके रिमूव करोगे उसमें भी पेनल्टी आ सकती है ना. बट यार दैट इज व्हाई यू हैव टू एक्ट एंड प्ले स्मार्ट. हाँ जी, जो आप बोल रहे थे कि अभी मिल जाएगा हमें वही वाली क्लास, जेड क्लास उसी डेट हाँ की, तो वो दिखा सकते हैं करके आप। वो तो मैं नहीं सिखा पाऊंगी सुखबीर, राइट. सो वी आर वर्किंग ओनली ऑन एथिकल बेस, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एथिकल बेस. ओके ओके, और कोई सवाल किसी का? नो क्वेश्चंस. ओके देन, व्हेन एवर नेक्स्ट गैलीलियो स्पेशल क्लासेस कंडक्टेड, यू मे कीप अ टैब ऑन द फाइल व्हिच इज बीइंग शेयर्ड विद यू ऑल. यू विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू द फाइल. उस फाइल में सब अपडेटेड रहता है अबाउट दी स्पेशल क्लासेस. ओके, फ्यू ऑफ यू आई बिलीव हैव एग्जाम ऑल्सो टुमोरो फॉर गैलीलियो, सो ऑल द बेस्ट टू दोज हु हैव देयर एग्जाम टुमोरो. ओके देन, टेक केयर, बाय. थैंक यू।